हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ छत पे, सुबह के बज रहे हैं 6:30। जग गया था मैं 5:30 बजे, दूध वूध लाया, गर्म करा। मैं देखो छत पे इसलिए लेके आऊँ, देखो हमारे इसमें टमाटर निकल रहा है, देखो पेड़ में टमाटर अभी हरा है, ये अभी हरा है, ठीक है। पानी छिड़केंगे हम पेड़ों में, ठीक है, रोज़ पानी छिड़कना पड़ता है, गर्मी है ना, गर्मियों में पानी छिड़कना पड़ता है। इधर भी देखो, ये देखो फूल, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसमें दिखाता हूँ आपको मिर्ची, ये देखो लाल लाल मिर्ची दिख रही है, इसमें लाल मिर्ची, हरी मिर्ची भी होगी, हरी मिर्ची तो तोड़ ली, ये देखो हरी मिर्ची, ये देखो हरी मिर्ची है, अभी उग रही है, ये देखो छोटी छोटी सी दिखाता हूँ, ये देखो है ना मिर्ची भी उगरी। गाइस मेरा ये पेड़ लगाने का बड़ा मन करता है, बहुत सारे छत हो बड़ी सी, मस्त पेड़ लगाएं तरह तरह के, लेकिन क्या करें छत है ही नहीं, छोटी सी है, इसमें भी कितने पेड़ लगेंगे, 2-4 पेड़ लग पाते हैं बस। और फिर ध्यान करने वाला भी तो होना चाहिए, उनकी भी देखभाली करनी पड़ती है बच्चों की तरह पेड़ों की, ठीक है। पानी छिड़कते हैं, फिर उन्नी को उठाते हैं, स्कूल के लिए तैयार होगी वो, ठीक है। दूध तो गर्म कर ही दिया उसका, चलो गाइस थोड़ा पानी छिड़कते हैं। पानी छिड़कते हैं ऐसे थोड़ा पेड़ों को छिड़का, फिर थोड़ा पानी डालेंगे इसमें ऐसे। ये कैक्टस का है पेड़, इसमें ऐसे पानी डालेंगे थोड़ा सा, ऐसे पानी डालेंगे ताकि इसके पत्ते गीले हो जाए पेड़ों के, इनकी जड़ों में डाल देंगे पानी। गाइस मुझे ना ट्रेन में सफ़र करने में बड़ा मज़ा आता है, बस में नहीं आता इतना, ट्रेन में सफ़र करने में बड़ा मज़ा आता है। जो पटरियाँ बदलती है ना उसकी आवाज़, ओए होए बड़ा मस्त। ज़िंदगी में कई बार एक बार ना उसमें बैठना, एसी वाले में जो कांच के शीशे लगे रहते हैं ना ट्रेन में, उसका डब्बे में बैठना एक बार ही लाइफ में, एक बार, पता नहीं ज़िंदगी में कभी बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। पानी छिड़क दिया है मैंने, चलते नीचे। उधर के लिए पानी गर्म हो गया। गाइस देखो, गाइस आपको दिखाता हूँ, डुगू की मम्मी सुबह उठ गई काम करके, देखो फिर सो गई, सो रही है ये। और देखो कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, वही सो रही, और इसे तैयार भी नहीं करा, देखो ट्यूशन के लिए तैयार नहीं करा इसे। देखो बाहर बर्तन पड़े हुए धोने के लिए, धोएंगी, ये देखो काम पड़ा हुआ है कितना, बर्तन बर्तन सब, पोछा लगाने के लिए बाल्टी रखी है, और ये सो रही है महारानी। देखो गाइस लंच टाइम हो गया है, बज रहे हैं 1:15 बज रहा है दोपहर का, हमारा लंच टाइम हो गया है। लंच खाने में लाए हैं हम भिंडी की सब्जी और रोटी है इसमें, ठीक है, चलो लंच करते हैं,
और फिर थोड़ा सा सोते हैं, नींद आती है इस टाइम, अगर नहीं सो तो फिर काम पे झपकी लगती है। ठीक है, लंच करते हैं, भिंडी खाते हैं और रोटी खाते हैं। ठीक है, तो गाइस लंच हो चुका है, खाना खा लिया हमने, पानी पी। पानी हमेशा बैठ के पियो, खड़े होके कभी नहीं पीना चाहिए पानी। ठीक है, लंच हो चुका है हमारा, खाना खा चुके हैं। अब हमारे पास एक बेसन का लड्डू है, बहुत दिन का रखा होता फ्रिज में, मैंने कहा कोई खा नहीं रहा, मिल गया कोई खाए नहीं रहा तो हम ही लेके चले, हम ही खा लेंगे। 4 तारीख को जब गए थे ना हम गाँव, जब का रखा हुआ है फ्रीज में, बचे हुए लड्डू रखे थे, कोई खाए नहीं रहा था। आज 3 तारीख हो गई, आज हो गई 12 तारीख, सबसे रखे हुए थे। मैंने कहा ख़त्म करो, एक लड्डू बचा रखा कब का। आज चलो बिस्तर लगाते हैं अपना, ये लग गया हमारा बिस्तर और ये हमारा तकिया, हम इस पर लेटेंगे और हम कर देते हैं लाइट बंद यहाँ से। ठीक है, और थोड़ी देर सोएंगे, आधा घंटा ऐसे लेट के आधा घंटा सोएंगे, फिर 2 बजे काम पे जाएंगे। ठीक है गाइस, आज है शनिवार, सेकंड सैटरडे, बच्चों की छुट्टी है, ये देखो सो रहे हैं, वो देखो वो सो रही है, और ये देखो इधर सो रहा है, और सुबह के बज रहे हैं 8:30। रात से मेरी मशीन की इसकी ये मोटर लग रही है ना, ये ख़राब हो गई है, वो धीरे धीरे चल रही है, स्पीड नहीं पकड़ रही, इसे ठीक करानी पड़ेगी, काम भी पड़ा हुआ है इतना, फिर ठीक कराऊँगा, 300 रुपये करीब तो लगेगा इसमें, ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, स्पीड ही नहीं पकड़ रही। तो ये गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, छोटा सा पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।